इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक इफेक्टिव बार चार्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो हम डेटा को इफेक्टिव वे से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये डेटा है जो कि कॉटन प्रोडक्शन, शुगर, राइस, वीट बेस है और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 2 फिगर 1 मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। हम इसके एक जो है इसकी इम्प्रूव फॉर्म कैसे हो सकती है इस बार चार्ट की और इसमें क्या इश्यूज हैं उसको देखते हैं। तो एक तो ये होता है कि बार चार्ट जब आपके पास टाइम सीरीज डेटा हो तो उसमें ओवरऑल ट्रेंड को इंडिकेट करता है, बट ज्यादातर हम बार चार्ट बनाते हैं जब हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, तो उन कैटेगरीज को हम जो है वो बार चार्ट से प्रेजेंट करते हैं। और बार चार्ट में 3D क्यों नहीं यूज करना चाहिए, जैसे इस केस में 3D यूज हुआ है, तो वो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये व्हाइट स्पेस बिटवीन बार चार्ट्स कितनी होनी चाहिए इसको देखते हैं। और ये देखिए आपके पास जो है वो ये जो ग्रे कलर है ये एक डोमिनेंट कलर है, और ये ग्रिड लाइंस ये भी, और ये जो डार्क बॉर्डर है ये सारी चीजें जो है हम इसको कहते हैं ये नॉन डेटा इंक है। तो हम देखते हैं कि इसकी जगह पे हम अपना ग्राफ कैसे बेहतर तरह से बना सकते हैं। और एक और इसमें जो मेजर फ्लॉ है वो ये है कि ये 9000 से स्टार्ट हुआ है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये 10,000 सम 100 जो है ये 14,000 से विजुअली 4-5 टाइम्स स्मॉलर नजर आ रहा है, जबकि 14,000 जो है वो 10,000 से जस्ट 25% शायद जो है वो ज्यादा हो। तो हम देखते हैं हमारा ग्राफ जो होगा क्या वो भी यही शो करेगा, या के जीरो बेस लाइन इंक्लूड करने से वो इससे बेहतर वाली रिफ्लेक्शन देगा। तो ये हम अपना डेटा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप इंसर्ट में जाइए और अपना बार चार्ट की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं इस वक्त सबसे सिंपल वाली रख रहा हूँ। तो ये मेरे पास बार चार्ट आ गया। अब ये बाय डिफॉल्ट एक बार चार्ट आया है। अब इस बार चार्ट में व्हाइट स्पेस बिटवीन बार्स काफी सारी है, तो अब आप देखते हैं कि इस बार चार्ट को हम कैसे इम्प्रूव फॉर्म में लेके आ जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये व्हाइट स्पेस बिटवीन बार्स जो है ये कम होनी चाहिए, मीन्स कि बार एरिया चूंकि वो डेटा को शो कर रहा है दैट शुड बी मोर देन, और मैं इसको 39%, 40%, 50% के दरमियान रखता हूं, उसको व्हाइट एरिया से ज्यादा होना चाहिए, एक बात तो ये होगी। दूसरा, व्हाइट बैकग्राउंड एंड ग्रे कलर्स आर योर फ्रेंड्स, तो आप उन्हें बहुत डार्कर बैकग्राउंड नहीं रखनी ताकि वो आपकी अटेंशन ले और आपको इंफॉर्मेशन कम दे, ये डेटा विजुअलाइजेशन का एक ड्रॉबैक होता है। अब मैं यहाँ पे डेटा को डायरेक्टली लेबल कर रहा हूं, अगर डेटा मैंने डायरेक्टली लेबल कर लिया तो अब मुझे जरूरत नहीं रही कि मैं इन वैल्यूज को जो है साथ में लेके चलूं। तो अब ये जो वैल्यूज हैं अब ये मेरे लिए रिडंडेंट हो गई, इसको हम कहते हैं कि नॉन डेटा इंक है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। आपके पास ये बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, इसको जो है राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये ग्रिड लाइंस जो है ये मुझे इस वक्त कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर रही, तो इनको मैं हाईलाइट करके डिलीट कर सकता हूं। तो आप देखिए कि ये एक वाइट स्पेस रह गई है। देन अब देखिए तो इसको मैं जो है इसके इनके फॉन्ट्स को जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो आप देखिए तो ये जो मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट है इसका, इसको हम रीजनेबल जितना हमें चाहिए वो कर सकते हैं। तो आपके पास तो इट डिपेंड्स कि आपको कितना ये फॉन्ट सूट कर रहे हैं। चार्ट टाइटल्स भी कोशिश करें एक तो लेफ्ट अलाइंड हो, क्योंकि हमारी जो आई है वो हमेशा चीजों को जी फॉर्म में रीड करती है, तो इसलिए इसको कोशिश करें कि लेफ्ट लाइन हो और चार्ट एरिया जो है उसका ये ज्यादातर हिस्सा ना बने बल्कि उसका हिस्सा ज्यादातर डेटा बने। तो चार्ट टाइटल को भी मैंने यहां से रिमूव कर दिया, और इवन यहां पे देखिए चार्ट का बॉर्डर है जो कि इट इज सेड कि ये भी आपकी इंक कंज्यूम करता है लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे करता, इसलिए आप इसको जो है वो नो लाइन कर दें। और अब आपके पास इस चार्ट का बॉर्डर भी नहीं रहा। अब अगर इस चार्ट को मैं, और यहां पे देखिए ये जो है गैप आपको अब उतना नजर नहीं आ रहा है जितना यहां पे था, तो ये मिसलीडिंग चार्ट है, ये बहुत हाईली मिसलीडिंग है। आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी कॉटन प्रोडक्शन 80% कम हो गई है एज कंपेयर टू 14-15,
इन 2015-16 कम हुई है, बट ये आपके पास इतनी ज्यादा कम नहीं हुई। रीजन ये थी कि यहां पे देखिए जो आपके पास 9,000 बेस लाइन है और 10,000, इनके दरमियान गैप आया 1,000 का, और 14,000 और 9,000 के दरमियान गैप आया 5,000। तो 5,000 सीम्स 5 times मोर देन 1,000 गैप बिटवीन दीज टू। वेर एज यहां पे जब आपने जीरो से स्टार्ट किया तो ये 10,000 का गैप आया और ये 14,000। तो 14,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इज स्मॉलर स्मॉलर देन जो कि यहां पे नजर आ रहा था। तो अब इस बार चार्ट को हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। आप इसको जो है शिफ्ट कर लें थोड़ा सा डाउनवर्ड, या इसको साइड पे कर लेते हैं हम, और ये आपके पास जो है इस ग्राफ का हम एक नाइस टाइटल रख लेते हैं, और उसके बाद जब आप इनको ये व्यू में जाके आप ये ग्रिड लाइन सारी की सारी रिमूव कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस यहां पे आप अपना चार्ट टाइटल दे दें, सेल्स को मर्ज कर लें, और जैसे मैंने कहा लेफ्ट अलाइन रख लें, और इसको टेक्स्ट को सेंटर कर लें, और वही टाइटल हम दे लेते हैं जो कि यहां पे गिवन था, फिगर टू पॉइंट वन कॉटन प्रोडक्शन थाउजेंड्स बेल्स। आप इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर लें, और इसको आप चाहें तो यहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ऊपर चला गया, और फॉन्ट इसका 12-13 जो भी है इसको कोशिश करें कि लाइट ग्रे रखें, ताकि ये आपकी अटेंशन ज्यादा नहीं ले, ज्यादा अटेंशन उस चीज को मिलनी चाहिए जो कि आपका डेटा है। तो अब आप चाहें तो इसको फर्दर थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं इस तरफ ड्रैग करके इस एरिया को मैं शेड करना चाह रहा हूं। तो वैसे तो आप इस सारे को अगर वाइट कर दें नो, तो आपके पास ये आ गया, लेकिन हम इसको इस वाले अपने ग्राफ को एरिया को थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटिफाई करना चाहेंगे। तो अब आप इसमें इसको कर लें जी, या कोई भी लाइट बैकग्राउंड आप इसमें, लेकिन याद रखिए बहुत हैवी बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि आपने उसको जो है आपकी अटेंशन उस कलर की तरफ चली जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप, ये एस्पेक्ट रेशियो है जिस पे मैं किसी और टाइम पे बात करूंगा। तो इसको आप चाहें तो आप थोड़ा सा फर्दर, अगर एग्रीकल्चर है तो लेट्स से मैं इसको लाइट ग्रीन फिल करके, और इसका जो टेक्स्ट फॉन्ट है इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बार चार्ट बन गया, और अगर मेरी प्रेफरेंस में ये है कि दीज शुड बी फील्ड इन लाइट ग्रे फॉर्म, क्योंकि उससे प्रिंट जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट का वो ग्रे कलर्स का बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इनको इसके इनसाइड भी लेबल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके पास ग्राफ जो है आप चाहें तो इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके अपने डिपेंड करता है कि आप इसको कितना किस तरह का बनाना चाहते हैं। तो दिस इज द ग्राफ, और जो ओरिजिनल ग्राफ है वो ये वाला है। तो हमारे ग्राफ में ऐसे हमने कोशिश की कि कोई भी नॉन डेटा इंक नहीं हो, इवन बॉर्डर तक भी ना हो। तो आई होप ये हेल्प करेगा आपको अपनी रिपोर्ट्स में, थीसिस में, या जब भी आप बार चार्ट यूज करेंगे। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।